स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी ओदवा इंग्लिश क्लासेस पर। आइए हम आज वी विल डिस्कस अवर स्टोरी रंगा मैरिज, रंगा की मैरिज, मस्ती, वेंकटेशा यंगर। और यहाँ पर अगर बात करें राइटर का नेम और निक नेम के अंदर अगर हम बात करें तो इस करेक्टर के अंदर क्या है, एक शमा नाम का करेक्टर है, SHYAMA श्यामा। और इसके अंदर एक और करेक्टर है जो इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में रंगा नाथन दो काफ़ी इम्पोर्टेंट करेक्टर है और काफ़ी अच्छे ढंग से स्टोरी एक अच्छी प्रिपेयर हुई है। मस्ती वेंकटेशा यंगर ने इसको प्रिपेयर किया है। और इस कहानी की अगर नरेटर की बात करें हम तो नरेटर इसका कौन है, श्यामा। नरेटर कौन है इन दिस स्टोरी, द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर इज श्यामा। और इसके अंदर अगर करेक्टर की बात करें तो रंगानाथन, विच निक नेम इज रंगा, इसका निक नेम क्या है इसका रंगा। तो कहाँ से हमारे राइटर बिलोंग करते हैं और कहाँ से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे विलेज होते हैं जहाँ पर कभी भी इंग्लिश का ट्रेंड नहीं रहा है, इंग्लिश का वाइड स्प्रेड प्रचलन नहीं रहा है। तो आइए हम एक ऐसे ही गांव के बारे में पढ़ते हैं, द नेम ऑफ द होशाली। गांव का नेम क्या है, होशाली है और काफी पॉपुलर नहीं है ये, मैसूर के पास एक गांव है जिसका नेम क्या है, होशाली। होशाली गेम है, रंगानाथन और श्यामा इसके अंदर करेक्टर्स हैं। और होशाली गांव के अंदर क्या है, यू कैन सेंट श्यामा ली सिम होशाली। श्यामा कौन से गांव में रहता है, होशाली गांव के अंदर रहता है। और यहां पर होशाली गांव है वो इतना छोटा गांव है कि इट इज ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा है या स्मॉल विलेज है। ये इतना स्मॉल विलेज है कि इट इज नॉट मेंशन, यू कैन से इट इज नॉट फाउंड इन द ज्योग्राफी बुक, किसी भी ज्योग्राफी की बुक के अंदर आपको इसके गांव का वर्णन नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल विलेज, क्योंकि यह एक छोटा सा गांव है। कई बार होते हैं इतने छोटे गांव होते हैं जिनको कभी भी हम इंडिया के मैप पर नहीं देखते, कहीं उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि इन दिस विलेज ही, श्यामा हमारा नरेटर है जो इसके अंदर क्या करता है, डिस्क्राइब करता है द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश, किस चीज को, इंग्लिश के इफेक्ट को बताता है किस टाइम में, ऑन द लाइफ ऑफ द विलेजर्स, ऑन द लाइफ ऑफ द विलेजर्स, ग्रामीणों पर कैसे इंग्लिश का इफेक्ट है, इंग्लिश का कैसा क्या है प्रभाव है। नियर अबाउट 10 years ago क्या है, 10 years ago people do not know English language, लोग थे वो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं जानते थे। Now the things have changed, अब बहुत सी चीज़ें क्या हो गई हैं, things have changed, चीज़ें बहुत सी क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है। लोग यूज्ड सम इंग्लिश वर्ड इन कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर लोग कैसे वर्ड को यूज करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या है, ही हैड ए, हमारा जो श्यामा करेक्टर है, ही हैड ए स्पेशल लव, उसका एक स्पेशल क्या है, लव है किसके लिए, रंगा के लिए, रंगा ए यंग मैन, रंगा क्या है एक यंग मैन, यू कैन से इट ही हैज कम फ्रॉम द सिटी, रंगा कहाँ से आया है, शहर से आया है। और ही हैज ए सन ऑफ ए क्लर्क, गांव के एक क्लर्क का बेटा है। मैनी पर्सन टू मीट, कई बहुत से ऐसे लोग हैं टू मीट रंगा, वो रंगा से मिलने के लिए आते हैं, बिकॉज ही हैज कम फ्रॉम द सिटी आफ्टर नियर अबाउट 6 months वो शहर के अंदर रह के आया है। उसके बाद जब वो गांव के अंदर आता है तो लोग उससे मिलने के लिए आते हैं कि उसका कैसे वे ऑफ टॉकिंग है, कैसा उसका वे ऑफ वॉकिंग है और एवरीथिंग, कैसा वो स्टाइलिस्ट है। तो इस टाइप से रंगा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो
यहाँ पर वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था वैशाली, अब नाउ इट इज मोस्ट फेमस हो चुका है ये विदेश। नाउ अब ही एड ही वांट्स टू गेट श्यामा है, श्यामा यहाँ पर श्यामा गेट्स टू मैरी हिम, इट मीन्स रंगा गेट्स टू मैरी रंगा विद, किसके साथ करवाना चाहता है वो शादी, रत्ना के साथ। He gets to marry him. Marry him और रत्ना with marry him. Him means यहाँ पर रंगा की मैरिज करवाना चाहता है किसके साथ, रत्ना के साथ वो मैरिज करवाना चाहता है, जो किसकी, रामा राव, एक उसके फ्रेंड है रामा राव। रामा राव की क्या है वो नाइसिन, क्या है उसकी भतीजी। But now रंगा इज नॉट इन मूड ऑफ मैरिज, रंगा किसी तरह की शादी करने के क्या है मूड में नहीं है, रंगा किसी तरह की शादी करने के क्या है मूड में नहीं है। ही आस्क एन एस्ट्रोलॉजर, श्यामा किसको कहते हैं, श्यामा एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर गांव का एक ज्योतिष है उसको कहता है, गांव के ज्योतिष को वो यहाँ पर एक मेंशन करता है, टू टेल हिम टेल रंगा की, वो रंगा को बताए कि रत्ना इज सुटेबल फॉर हिम, कि रत्ना लड़की है वो रंगा के लिए क्या है सुटेबल है। श्यामा आस्कर टू एन एस्ट्रोलॉजर, उसने एक एस्ट्रोलॉजर से कहा दैट कि ही वुड टेल, वह किसको बताएगा किसके बारे में, रंगा को बताएगा दैट रत्ना इज सुटेबल फॉर हिम, रत्ना उसके लिए बिल्कुल क्या है सुटेबल है। इस टाइप से क्या है वो हर तरह से ट्राई करता है, उसको उसके रेजिडेंस पर सेंड भी करता है, भेजता भी है, और वो चाहता है कि वो श्यामा चाहता है कि रंगा की मैरिज किससे हो जाए, रत्ना से, और इन दोनों को मिलाने के लिए वो हर तरह के क्या करता है एफर्ट्स करता है, बिकॉज ही नो वेरी वेल, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि इट विल बी ए गुड फॉर देम, यह उनके लिए क्या होगा अच्छा होगा। और ही मैनेज द He managed himself this type of way that Ranga himself expressed his desire to marry Ratna. वो चाहता था कि रंगा खुद वो डिजायर करे, इच्छा करे कि उसकी मैरिज किससे हो जाए, रत्ना से हो जाए। इस तरह से ये गांव के एक लड़के की स्टोरी थी, और यहाँ पर ऐसा इसके अंदर कुछ और भी मिलेगा आपको, एक अधिक स्टोरी और भी मिलेगी, लेकिन मेनली श्यामा का करेक्टर और रंगा के बारे में थोड़े एक्सप्रेशन है, और श्यामा का करेक्टर इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है नरेटर का। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटर श्यामा, श्यामा किस तरह से रंगा और रत्ना को मिलाने के लिए अपने एफर्ट्स यूज करता है, और कैसे वो एन एस्ट्रोलॉजर से बात करता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो आप इस तरह से नरेटर का करेक्टर्स का जरूर आप लर्न करें, और कंटिन्यू इसी तरह से और भी कोई समरी है तो हम आपको करवाते रहेंगे, आप कंटिन्यू अपने YouTube चैनल पर इस तरह से समरी कंप्लीट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करें। ओके, थैंक यू।